मैं विपिन कुमार सिंह अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्न निजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का नरेशन चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का शुरू किया हूं, जिसमें उनको जो है पहला सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले के वीडियो में हमने अपने विद्यार्थियों को असर्टिव के तमाम जो है नियम बताए। अब असर्टिव के कौन कौन से नियम उनको बताया गया, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। मैंने पहले नियम में बताया कि इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तीसरे नियम में बताया गया कि दैट के बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से होता है, केवल प्रोनाउन आई को छोड़कर, प्रॉपर नाउन के शब्द को छोड़कर। चौथा नियम बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन बताया गया से सेज का नो चेंज, सेज टू का परिवर्तन टेल या टेल्स में करते हैं, सेट का नो चेंज, सेट टू का परिवर्तन हम टोल्ड में करते हैं, विल सेल से का नो चेंज और विल सेल से टू का परिवर्तन हम विल सेल टेल में करते हैं। ये विद्यार्थियों को चौथा नियम बताया गया। पांचवें नियम में हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदलते हैं, जिसके लिए जो है विद्यार्थियों को सन का नियम बताया गया, उसका स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया इसके पहले के वीडियो में कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर बदलना है तो सन के नियम के अनुसार हम कैसे चेंज कर लेते हैं। और आज उनके सामने मैं छठवां नियम जो है बताने जा रहा हूँ कि निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे दिस का परिवर्तन जो है दैट में, यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में जो है निकटता प्रदर्शित करने वाला शब्द जो है दिस दिया गया है तो आप जब कभी भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका परिवर्तन जो है दैट में करेंगे। दीज का परिवर्तन हम दोज में करते हैं, दीज का परिवर्तन दोज में, हियर का परिवर्तन देयर में, हियर का परिवर्तन जो है देयर में करते हैं, हीदर का परिवर्तन दीदर में, हीदर का परिवर्तन हम दीदर में करते हैं, हेंस का परिवर्तन देंस में करते हैं, एगो का परिवर्तन बिफोर में करते हैं, नाउ का परिवर्तन हम देन में करते हैं, दस का परिवर्तन जो है सो में होता है, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे में करते हैं, द फॉलोइंग डे में कर लेते हैं, और यस्टरडे का परिवर्तन द प्रीवियस डे में करते हैं। ये हमारे जो है सभी शब्द हैं जिनको विद्यार्थियों को जो है हमेशा जो है याद होना चाहिए। और एक लाइन यहाँ पे पड़ी हुई है कि निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है विद्यार्थी जो है अपने दिमाग में जो है नोट करेंगे और जब कभी भी जो है वीडियो को देखें जो है तो अपने साथ जो है कापी कलम लेके जो है ज़रूर बैठें, ताकि जो है बोर्ड की जो है कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनी कापी पे जो है नोट किया जा सके। अब मैं इसके आगे जो है अपने विद्यार्थियों को जो है टेंस परिवर्तन संबंधी नियम बताऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थियों को टेंस परिवर्तन संबंधी नियम में पहला नियम ये बताया जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होता कहाँ है, वीडियो में बताया गया कि कामा के पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और डबल इन्वर्टेड कामा में जो बंद स्टेटमेंट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। नियम क्या है विद्यार्थी एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पहले ये चेक किया जाए कि क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। यहाँ पे विशाल जो है सब्जेक्ट है, से में यस जोड़ा गया है, यानी कि एम बी फर्स्ट में जो है यस जोड़ दिया गया है, और टू मी जो है उसका जो है ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का जो है सूत्र बनता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को उत्तर लिखते समय करना क्या है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। अब मैंने बताया
कि विद्यार्थियों को सबसे पहली समस्या कहाँ पे होती है? विद्यार्थियों को जो है सबसे पहली समस्या जो है रिपोर्टिंग वर्ब में होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी विद्यार्थी जो है चेक करेंगे, तो हम अपने जो है चौथे नियम पे जाते हैं जिसमें हेडिंग पड़ी हुई है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है कैसे परिवर्तन करना है। तो उसमें जो है छह लाइन में जो है एक लाइन में देखेंगे कि सेस टू का परिवर्तन जो है टेल्स में। अब यहाँ पे उत्तर लिखते समय हम लिखेंगे सेस टू का परिवर्तन जो है टेल्स में करेंगे, यानी पे यहाँ पे लिखेंगे कि विशाल सेस टू को बदल दीजिए जो है टेल्स में, टेल्स मी। अब आगे कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट जो है दैट से जुड़ जाएंगे, दोनों पार्ट को हमने जो है दैट से जोड़ लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रोनाउन की संख्या कितनी है। पूरे वाक्य में चेक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही प्रोनाउन मिलेगा जो है आई। अब विद्यार्थियों को ये पता करना है कि आई जो है किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है कि सेकेंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का है। तो आई जो है विद्यार्थी जब पर्सनल प्रोनाउन की तालिका का अध्ययन करते हैं तो आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में जो है आपको दिखाई देता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। प्रोनाउन परिवर्तन के लिए हमने सन का जो है स्ट्रक्चर बताया, सन के नियम के अनुसार हम प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है विशाल से बदल जाएगा। अब विशाल जो है नाउन का शब्द है, मैंने बताया कि नाउन का कोई सा भी शब्द हो वो थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन है, पुलिंग है, एक वचन है, तो थर्ड पर्सन पुलिंग एक वचन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। यानी हम आई का परिवर्तन विशाल से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है ही हो जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेक करेंगे कि टेंस क्या है। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट दिया गया है, इज एम आर इसकी सहायक क्रिया है, एब्सेंट लिखा गया है, ये एडजेक्टिव है। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है और नियम में टेंस परिवर्तन के लिए बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रह जाएगा। जब आई का परिवर्तन हमने विशाल से कर लिया, यहाँ पे ही हो गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगता है और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है चेंज हो चुका है तो ही के साथ जो है क्या लगेगा जो है इज लगेगा। आगे लिखेंगे जो है एब्सेंट इन द क्लास। विशाल टेल्स मी दैट ही इज एब्सेंट इन द क्लास, ये आपका उत्तर रहा। एक एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में हो। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा जाए कि अनन्या विल से कामा डबल डॉट कामा में आई एम एंग्री एट माई बिहेवियर एट माई बिहेवियर। विद्यार्थियों के सामने जो है ये दूसरा एग्जाम्पल रखा गया। इसमें विद्यार्थी ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जब चेक करेंगे तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में चाहे सिंपल फ्यूचर हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में जो है सहायक क्रिया आपको जो है विल सेल मिलेगी। दूसरी चीज कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है, ऐसी दशा में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था तो पहले एग्जाम्पल में हमने उत्तर लिखते समय जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया था, और दूसरे एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, ऐसी स्थिति में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए हम चेक करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमको चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है। जब चौथा नियम जो है पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो उसमें जो है पांचवी लाइन लिखाई गई है कि विल सेल से का नो चेंज, विल से रहेगा तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर सेल से है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब में हमें कोई चेंजेज नहीं करने हैं। तो उत्तर लिखते समय हम लिखेंगे कि
अनुराग विल से। अब आगे की स्टेप में करना क्या है कि कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, हम रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को दैट से जोड़ देंगे। यहाँ पे जो है दैट से जुड़ गया। अब हम चेक कर लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो है कितने प्रोनाउन आए हैं। जब विद्यार्थी प्रोनाउन चेक करेंगे तो उनको जो है दो प्रोनाउन मिलेंगे, पहला प्रोनाउन आई है और दूसरा प्रोनाउन जो है माई है। विद्यार्थियों को यह भी चेक करना है कि दोनों प्रोनाउन जो है किस पर्सन के हैं, तो उत्तर मिलेगा कि आई भी जो है फर्स्ट पर्सन में आता है और यहाँ पे जो दूसरा प्रोनाउन माई ये भी जो है फर्स्ट पर्सन में आता है। सन के नियम के अनुसार ये दोनों प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है अनन्या से बदलेंगे। यहाँ पे अनन्या में जो है ए रहेगा, अनन्या से बदलेंगे। अनन्या जो है नाउन का शब्द है, अनन्या नाउन है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो नाउन स्त्रीलिंग एक वचन के लिए जो है प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है थर्ड पर्सन में सी। आई का परिवर्तन अनन्या से करना है तो यहाँ पे जो है आई के जगह इनडायरेक्ट बनाते समय लिखेंगे जो है सी। टेंस चेक किया जाए, रिपोर्टेड स्पीच का जो है ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में ही रह जाएगा, यानी कि इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल अंतर इतना आ जाएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो एम लगा है, आई अनन्या से चेंज हो गया तो यहाँ पे सी हो गया, तो सी के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है जो है इज लगती है, हमारा टेंस वही रह गया। अब आगे एंग्री है, एंग्री एट माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फिर यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही बदलेगा। अब अनन्या की जगह जो है प्रोनाउन पहले सी जो है दिया जा चुका है, माई का केस वहाँ पे पोजेसिव है तो हम सी का पोजेसिव बना लेंगे, तो यहाँ पे जो है माई की जगह इनडायरेक्ट लिखते समय जो है हर लिखा जाएगा, हर बिहेवियर, हर बिहेवियर। ये हमारा उत्तर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमारा जो है टेंस परिवर्तन का जो है पहला नियम कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस परिवर्तन का दूसरा नियम क्या है, विद्यार्थी ध्यान देंगे। टेंस परिवर्तन का जो है दूसरा नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, एक एग्जांपल जो है लिखा जाए जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो। तीसरा एग्जांपल है कि रवि सेड टू मी, कामा डबल डॉटेड कामा में यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड फुल स्टॉप डबल डॉटेड कामा। विद्यार्थियों को यह ध्यान होना चाहिए कि नरेशन में जो है वो असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो यानी कि अफर्मेटिव रहेगा चाहे निगेटिव रहेगा, तो पीछे बताए गए जो है सारे नियम यहाँ पे जो है फॉलो किए जाएंगे। उन सातों नियम में से कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सभी सेंटेंस में जो है चलते हैं, चाहे रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव हो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो। लेकिन कुछ नियम उसमें ऐसे होते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस जो है चेंज हो रहा है तो वो सेंटेंस के जो है चेंजेस के अनुसार जो है उनके नियम में भी जो है बदलाव होगा। टेंस परिवर्तन का जो दूसरा नियम बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, विद्यार्थी ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल प्रेजेंट है तो ये बदल के चला जाता है सिंपल पास्ट में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये बदल के चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये चेंज होकर चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चेंज होकर चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो
इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंज होके चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये टेंस का परिवर्तन है। अब यहाँ पे विद्यार्थी चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे जो है पास्ट टेंस में है क्या। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट जो है रवि है, से का जो है सेकेंड फॉर्म होता है सेड होता है, तो यहाँ एम वी सेकेंड में जो है सेड टू लिखा गया है और टू में जो है उसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एम वी सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सूत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब ये चेक किया जाए कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस टेंस में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में है, जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल के चला जाएगा सिंपल पास्ट में, यानी जो इज एम आर का प्रयोग है ये वाज वेयर में बदल जाएगा। पहला परिवर्तन तो रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे कि सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में चौथे नियम के अनुसार। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आंसर लिखेंगे रवि, सेट टू का परिवर्तन जो है हम टोल्ड में कर देंगे, आगे उसका जो है ऑब्जेक्ट मी लिखा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को जो है आप दैट से जोड़ देंगे। दैट के बाद आगे आपका प्रोनाउन यू है जो कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये सन के नियम के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। चूंकि यू का केस जो है नॉमिनेटिव है तो मी का नॉमिनेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे जो है हो जाएगा आई। अब हमने कहा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, यानी इस इज एम आर का परिवर्तन वाज वेयर में कर देंगे। आई के साथ जो है पास्ट टेंस में जो है सिंपल पास्ट टेंस में सहायक क्रिया वाज लगती है, आगे जो है नॉट है, फिर जो है आगे एक प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन का है माई। सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रवि से बदलेगा, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो है हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, जो है ही यूज करेंगे। यहाँ पे माई का केस पोजेसिव है तो ही का पोजेसिव बना लेंगे तो हिज हो जाएगा, यानी कि उत्तर लिखते समय माई की जगह जो है हिज लिखा जाएगा, आगे जो है फ्रेंड लिखेंगे, आपका उत्तर जो है कंप्लीट हुआ। तो आज हमने अपने विद्यार्थियों के छठवें नियम से लेके सातवां नियम जो टेंस परिवर्तन का है, जो है टेंस परिवर्तन के जो है दो नियम जो है उनके सामने जो है रखे गए, उनके सामने जो है बताए गए। अब मैं अपने अगले वीडियो में अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों को आगे के टेंस परिवर्तन के जितने भी नियम हैं उन्हें जो है अच्छी तरह से जो है बताने का प्रयास करूँगा और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा अपने विद्यार्थियों के लिए प्रयास रहेगा। धन्यवाद।